हेलो एंड वेलकम। मैं प्रिय रंजन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल कानूनी रास्ता जस्टिस फॉर ऑल में। दोस्तों आज के वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे धारा 144 क्या है, इसकी प्रोविजंस कहां दिए गए हैं, क्या ये कर्फ्यू से अलग होता है या दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए इस जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्ट के सेक्शन 144 में दिया गया है और सेक्शन 144 कहता है कि पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रिहेंडेड डेंजर्स। कहने का मतलब है कहीं पे कोई दंगा हो रहा हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति भंग हो रहा हो या फिर किसी तरह का खतरा हो तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए वहाँ पे उस जगह पे धारा 144 लगा सकते हैं। बात को समझते हैं कि धारा 144 में क्या चीज़ें लिखा गया है। तो कह रहा है इसमें कि एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर्स। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर किसी एरिया का सब डिविजन मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो तो इन तीनों के पास ही पावर है कि अपने क्षेत्र में धारा 144 को लगा सकते हैं। लेकिन धारा 144 लगाने के लिए उन्हें अपने धारा 144 लगाने का रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। अब समझते हैं थोड़ी सी टेक्नोलिटीज़ को कि क्या एसडीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 को लगा सकता है। तो आंसर है नो। समझने की कोशिश करते हैं कि देयर विल बी वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड देयर विल बी वन एसडीएम इन अ डिविजनल एरिया। मतलब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें चार डिविजन है जिसको अनुमंडल भी बोलते हैं हिंदी में, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे और हर डिवीजन में एक एक एसडीएम ऑफिस ऑफिसर्स होंगे जिसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और पुलिस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रखा जाता है। तो अगर किसी पार्टिकुलर रीजन में किसी एक पार्टिकुलर डिवीजन यानी कि अनुमंडल में किसी तरह का पब्लिक न्यूसेंस या फिर अप्रिहेंडेड ऑफ डेंजर्स हो तो वहाँ पे एसडीएम के पास सफिशियंट पावर है कि वहाँ पे धारा 144 लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि उसे उसकी वजह राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। वैसे ही अगर एसडीएम अब्सेंट है वहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये सेम पावर है कि वहाँ पे वो धारा 144 लगा सकता है। लेकिन सवाल ये अब आता है कि अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में चार डिवीजन है और किसी भी तरह का न्यूसेंस दो डिवीजन में चल रहा हो तो एक डिवीजन ऑफिसर्स दैट इज वन एसडीएम कैन नॉट इन्फोर्स सेक्शन 144 इन टू डिवीजन्स। कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में जहाँ पे दो या दो से अधिक डिवीजन्स में किसी तरह का न्यूसेंस या अप्रिहेंशन ऑफ डेंजर है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कि वहाँ पे धारा 144 लगाए। अब शॉर्ट में समझते हैं कि धारा 144 या कर्फ्यू दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस या फिर सिमिलरिटीज है। तो दोनों में ही कहीं भी किसी भी पब्लिक गैदरिंग पे 5 से अधिक ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक ही जगह पे। पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों को बंद कर दिया जाता है जैसे कि स्कूल, कॉलेज, मॉल, ये सब चीज़ों को बंद किया जाता है कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे ही चीज़ें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे राशन की दुकानें हो गई, जनरल प्रोविजन स्टोर हो गए, इसको ओपन किया जाता है वो भी कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए। और ये दोनों जो धारा 144 है 3 चीज़ों पे नहीं लगती है, किसी शादी में किसी की डेथ हो गई हो तो वहाँ नहीं लगती है, कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो तो वहाँ पे भी धारा 144 को नहीं लगाया जाएगा। बात करते हैं कर्फ्यू क्या धारा 144 दोनों एक ही चीज़ है, तो नहीं। कर्फ्यू इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 144 ऑफ CRPC, नो डाउट। तो कर्फ्यू में क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये हमें बाहर जाने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होता है कि हमें बाहर नहीं जाना होता है। तो अगर हमें किसी इमरजेंसी में अगर वहाँ बाहर जाना पड़ रहा है तो हमें पुलिस से प्रायर परमिशन लेनी चाहिए। इसके अलावा हम हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पहले से स्ट्राइक पर बैठा हुआ है तो उसे प्रायर परमिशन लेना होगा 144 लगने के बाद भी कि हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जिस पे हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं कर्फ्यू को, जैसे कि खाने पीने की नेसेसरी चीज़ें होती है उस पर नहीं कर सकते लेकिन वो कुछ समय के लिए खुलेगा। अस्पताल पे नहीं लगा सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो लोग लाइसेंस आर्म्स कैरी करते हैं उन पे भी 144 या कर्फ्यू लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि किसी भी जगह पे कर्फ्यू या फिर सेक्शन 144 धारा 144 कब तक लगाया जा सकता है।
तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कम से अधिक 20 दिन तक के लिए एक बार में वहाँ धारा 144 या फिर कर्फ्यू को इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए वहाँ के स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेनी होती है और उसको 6 मंथ तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो विद द एड एंड कंसल्टेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। आपने देखा होगा कोविड-19 बहुत ही जल्दी बहुत सारे देशों में फैल गया है, हमें इसको अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया होगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को दिए होंगे, वही SDM DM या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि वो अपने एरिया में धारा 144 या कर्फ्यू को लागू करें। पहले दिल्ली में 1 दिन के लिए था और कई स्टेटों में इसको 31 मार्च तक के लिए लगा दिया गया है। सवाल ये आता है कि कोई अगर इसका विक्टिम हो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो सेगमेंट का, कि अगर कहीं धारा 144 या फिर कर्फ्यू लगा हुआ है और उसका कोई विक्टिम है तो क्या उसकी कैंसलेशन की प्रोविजन है? तो यस, धारा 144 के सबसेक्शन 7 में इसका प्रावधान दिया गया है कि वह स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया हो, या SDM द्वारा लगाया गया हो, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या गवर्नमेंट के द्वारा ही क्यों नहीं वहाँ पे कर्फ्यू या फिर धारा 144 लगाया गया हो, वो वहाँ पे अपना जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है कि इसे कैंसिल कर देना चाहिए या फिर विदड्रॉ कर लेना चाहिए कर्फ्यू या फिर धारा 144 को, तो उसकी बात को सुनी जाएगी। अगर वह रिजनेबल या जेन्युइन लगा तो विदड्रॉ किया जा सकता है या फिर उसे मना किया जा सकता है। अगर मना किया जा रहा है तो उसकी रीजन्स भी राइटिंग में होना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के छोटे से सेगमेंट में जानने की कोशिश की धारा 144 क्या है और कर्फ्यू क्या है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है। एक और चीज़ बता दूँ, धारा 144 से अलग होती है कर्फ्यू, सेम नहीं होता, हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म है लेकिन सिमिलर नहीं होता है। और भी अगर हमारे से कोई और भी टॉपिक पे कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।